हाँ भाई, वह क्या हाल है, कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको सबके घरों में खुश रखे, आबाद रखे। जी आज मैं लेके आई हूँ बीफ बोनलेस हैंडी। तो ये बीफ है मेरे पास तकरीबन आधा किलो, और 2.5 पाव भी हो सकता है, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है। और ये मेरे पास यानी के 1 1.5 kg, और ये मेरे पास है सेमिनन यानी के दालचीनी, हरी इलायची, ज़ीरा और लौंग। ये हमारे स्टार्ट के इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके अंदर ये मेरे पास है टमाटर, 2 अदद दरमियाने साइज़ के कटे हुए। ये मेरे पास है लहसुन, एक पूरी जो होती ग्रह वो उसके सारे हैं। अब इनको हम स्टार्ट करते हैं, इसको हम इस्तेमाल बनाने का अगला प्रोसेस चलें शुरू जी, हम करते हैं। अपना शुरू करते हैं स्टार्ट, स्टार्ट। ये हमने अपनी हांडी जो है चूल्हे पे रख दी है, बोनलेस हांडी, और हम इसका इस्तेमाल शुरू करते हैं। कि सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल, और इसको पकने देंगे, थोड़ा गर्म होने देंगे। जी ऑयल हो हाँ गया जी, गर्म, इसमें हम सबसे पहले ये अपने 2 तेज़पात के पत्ते डालेंगे। उसके बाद हमने जो ये आपको बताई थी चीज़ें इंग्रेडिएंट स्टार्ट में, लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी और सफ़ेद ज़ीरा। चलिए जी, थोड़े से सौते हो गए मसाले। अब इसमें हम अपना मैरिनेट किया हुआ गोश्त डालेंगे, जो हमने सिरका लगा के रखा था हमने इसको, 1 टेबल स्पून। इसको भूनेंगे हम, चलें जी फ्राई हो गया हमारा ये। इसमें हम बाकी इंग्रेडिएंट डालते हैं। ये हमारी टमाटर, लहसुन, अदरक 1.5 इंच का टुकड़ा, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज चॉप हुए हुए, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, जायफल हमारे पास है ये 1/2 टीस्पून। ये तमाम इंग्रेडिएंट डालने के बाद इसको हम दम पे पकने रख देंगे।